हेलो। हेलो 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 हेलो। आपको तो हेलो। अब देखिए, हमारा कोर्स जो है टैक्स का, हम इसकी बात करते हैं। टैक्सेशन ACCA स्किल्स लेवल का सबसे हाईएस्ट पासिंग रेशियो वाला पेपर है। इसका पासिंग जो है वो 50% टू 55% आम तौर पे रहता है। यानी ये वो पेपर है जिसका पासिंग पूरे स्किल्स लेवल में सबसे अच्छा है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि ये पेपर जो है वो न्यूमेरिक बेस्ड पेपर है। इसमें थ्योरी बहुत कम है, थ्योरी बहुत कम है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। अब कैलकुलेशन ज़्यादा होती है तो हम पाकिस्तानी बच्चे हैं, हमें कैलकुलेशन करना ज़्यादा आसान लगता है। F1 में, FAB के अंदर कितनी तकलीफ होती थी कि थ्योरी बेस्ड पेपर है, कैसे होगा, क्या होगा, सो ऑन एंड सो। मसला ये है कि वो थ्योरी थी और हम लोग बाय डिफॉल्ट जो है वो थ्योरी को पसंद नहीं करते। हम कंपटीशन वाले लोग हैं, हम कंपटीशन को लाइक करते हैं, कंपटीशन को ही क्या करते हैं, पसंद करते हैं। तो ये पेपर उन स्टूडेंट्स के लिए बड़ा अच्छा होता है जिनको न्यूमेरिक्स करना, जिनको कैलकुलेशन करना पसंद है। तो टैक्स, एक तरह से टैक्स है क्या? व्हाट इज टैक्स? तो टैक्स इज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर गवर्नमेंट। टैक्स गवर्नमेंट की इनकम की सोर्स है। गवर्नमेंट की जो मेन इनकम है ना, गवर्नमेंट किससे कमाती है, वो क्या है? वो है टैक्स। गवर्नमेंट जो कमा रही है वो टैक्स से कमा रही है। यानी मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर गवर्नमेंट इज टैक्स। अब टैक्स जो है गवर्नमेंट की इनकम है, गवर्नमेंट ने इससे पैसे कमाने हैं, तो गवर्नमेंट कमा रही है, देगा कौन? आवाम देगी। यानी कंट्री में जो लोग रहते हैं उनकी जेबों से पैसा निकलना है और किसके पास जाना है? गवर्नमेंट के पास जाना है। गवर्नमेंट कमा रही है किससे? आवाम से। आवाम आती है और फिर गवर्नमेंट, ये यूके है। हम जो वेरिएंट पढ़ रहे हैं टैक्स का, वो कौन सा वेरिएंट पढ़ रहे हैं? यूके टैक्सेशन। यूके टैक्सेशन में क्या होता है कि गवर्नमेंट ने कमाना है किससे? यूके के लोगों से। और गवर्नमेंट जब कमाती है तो फिर किस पे खर्च करती है? आवाम पे ही खर्च करती है ना, ये नॉर्मल। तो टैक्स के अंदर हम सीखेंगे कि गवर्नमेंट की सोर्स ऑफ इनकम किस तरह से कंप्यूट होती है। ठीक है, गवर्नमेंट की सोर्स ऑफ इनकम किस तरह से कंप्यूट होती है, ये हम यहाँ पे देखेंगे। अब याद रखना, टैक्स गवर्नमेंट की इनकम है। क्या गवर्नमेंट अपनी इनकम छोड़ेगी? कभी भी, कभी भी नहीं छोड़ेगी। तो आप कभी भी टैक्स में दो नंबरी नहीं करेंगे, ठीक है? टैक्स में दो नंबरी करेंगे और पकड़े जाएंगे तो क्या होगा? सेक्शंस लगेंगे, फाइन होगा, पेनल्टी होगी, और अगर बड़ा मसला कर दिया ना तो जेल भी, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। टैक्स फ्रॉड की गुंजाइश नहीं है। वो हम आएंगे टैक्स प्लानिंग के। लीगल लॉ में कुछ फ्लोज होते हैं जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, टैक्स को रिड्यूस कर सकते हैं। वो जायज है, वो हलाल है। हम इलीगल मीन्स की बात करें, छुपाना, गलत अमाउंट दिखाना, ये सब मना है। ठीक है, अब याद रखना, आप में से जो लोग पहली मरतबा स्किल्स का पेपर दे रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि टैक्स का पेपर भी CBE यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम ही है, लेकिन इसका पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है। पैटर्न क्या है? हमारे पास टैक्स के पेपर में तीन सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी
और सेक्शन सी, तीन सेक्शन होंगे। सेक्शन ए में हमारे पास एग्जामिनर ने कहा मैं आपको 15 एमसीक्यूज दूंगा और एक एमसीक्यू कितने मार्क का होगा? 2 मार्क का। तो सेक्शन ए में कितने मार्क्स मिलेंगे हमें? 30 मार्क्स अटेम्प्ट करने के लिए मिलेंगे और हमने इंशाल्लाह इंशाल्लाह पूरे ही स्कोर करने, ठीक है। यानी सेक्शन ए 15 मार्क्स का है, 15 एमसीक्यूज हैं और एक एमसीक्यू 2 मार्क का है, तो टोटल कितने मार्क्स हैं? 30। इसके बाद सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी में हमारे पास 3 सिनेरियोज आएंगे। कितने सिनेरियोज आएंगे? 3 सिनेरियोज आएंगे। अब सिनेरियो जो होता है, एक सिनेरियो से एग्जामिनर कितने क्वेश्चन पूछेगा? एक सवाल है ना, तो एक सिनेरियो से एग्जामिनर 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन पूछेगा। कितने क्वेश्चन पूछेगा? और एक क्वेश्चन की वेटेज होगी 2 मार्क की। यानी एक सिनेरियो से 5 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा। यानी एक सिनेरियो का टोटल वेटेज कितने मार्क्स का हुआ? 10। और टोटल कितने सिनेरियो आने हैं? 3 सिनेरियो आने हैं। तो ये सेक्शन भी कितने मार्क्स पे आ गया? 30 मार्क्स पे आ गया। यानी मैं यूं कहूं, सेक्शन ए 15 एमसीक्यू, एक एमसीक्यू 2 मार्क का, 30 मार्क्स इन टोटल। सेक्शन बी 3 सिनेरियो, एक सिनेरियो से कितने क्वेश्चन आएंगे? 5। हर क्वेश्चन कितने मार्क का है? 2 मार्क का। तो ये भी एक जो आपका एमसीक्यू वो 10 मार्क का है, तो 3 एमसीक्यूज कितने मार्क के हो गए? 30 मार्क के हो गए। बाकी कितना बचा? 30 मार्क्स यहाँ, 30 मार्क्स यहाँ, कितने बचे? तो सेक्शन सी जो है वो है हमारे पास कितने मार्क्स के लिए? 40 मार्क्स, 40 मार्क्स फॉर सेक्शन सी। अब हमने एग्जामिनर से पूछा कि भाई ये बताओ, सेक्शन सी में 40 मार्क्स में पूछोगे क्या और कितने क्वेश्चन पूछोगे? तो एग्जामिनर ने कहा कि सेक्शन सी में मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछूंगा। कितने क्वेश्चन पूछूंगा? 3। 2 क्वेश्चन होंगे 15-15 मार्क्स के और एक क्वेश्चन होगा 10 मार्क का। टोटल कितने मार्क्स हो गए? अब सेक्शन ए तो सर एमसीक्यू है, एमसीक्यू मतलब एक क्वेश्चन है, उसकी ब्लैंक दे दी उसने या उसने क्या कर दिया, फिल द ब्लैंक्स पूछ ली, एमसीक्यू ABCD करके दे दिया, उसकी मर्जी है। कैलकुलेशन ही है मोस्टली, थ्योरी कम है हमारे पेपर में ना, थ्योरी कम है, कैलकुलेशन या न्यूमेरिक्स ज्यादा है। हो सकती है थ्योरी कहीं भी हो सकती है, अभी कितनी होती है मैं बता दूं। सेक्शन ए में एमसीक्यू आ गए, बी में एमटीक्यू आ गए, सेक्शन सी जो है ना ये आपको एक्सेल, आपके पास स्प्रेडशीट होगी, आप जब क्वेश्चन देखोगे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है ना, 15 मार्क का क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन होगा, एक पेज का क्वेश्चन होगा, उससे 3-4 रिक्वायरमेंट कर रहा होगा, हम जब किट कर रहे होंगे तो हम देखेंगे, तो उसका आंसर एमसीक्यू नहीं होगा, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं होगा, आपको टाइप करना है। आपको क्या करना है? टाइप करना है। और इस पे टाइप करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्प्रेडशीट है, जो एक्सेल हम यूज करते हैं नॉर्मल लाइफ के अंदर, इसी से कि आप अपने लॉगिन पे जाएंगे वहां पे, और हम आपको लिंक भी दे देंगे, तो वहां पे वो स्प्रेडशीट एक्सेल है, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने उसको क्या किया हुआ है, रिफाइन किया हुआ है, आसान किया हुआ है। एक्सेल में तो बहुत सारे फार्मूले होते हैं ना एडवांस के, इन्होंने बिल्कुल सिंप्लीफाई रखा हुआ है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के फार्मूले चलते हैं और आप टाइप करते हैं। तो स्प्रेडशीट पे आपको सेक्शन सी के आंसर क्या करने हैं? टाइप करने, ठीक है। तो ये आपके पेपर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि पेपर किस तरह से होगा और कितने सेक्शन पे होगा। कोई सवाल? ऑनलाइन के जो बच्चे हैं उनको कोई क्वेश्चन पेपर पैटर्न के अंदर या आवाज़ नहीं आ रही या कुछ मसला है तो बताइए। ठीक है, आप इसको कॉपी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
कॉपी भी करते रहिए, और एक बात बता रहा हूँ वो भी साथ साथ लिखिएगा। देखो टेक्स्ट का पेपर पास करने की ट्रिक क्या है, टेक्स्ट का पेपर पास कैसे होता है। तो टेक्स्ट का पेपर पास करने के लिए हम हमेशा कहते हैं कि बादाम ज़्यादा खानी पड़ेगी। अब बादाम ज़्यादा क्यों खानी पड़ेगी भाई, इसलिए कि इसमें बहुत सारे छोटे 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 रूल्स हैं। क्या है, बहुत सारे रूल्स हैं, है कैलकुलेशन बेस्ड पेपर लेकिन इसमें इतने सारे रूल्स हैं, इतने सारे रूल्स हैं कि आपको याद नहीं रहता। एक बात याद रखना, टैक्स का कोर्स पूरे स्किल लेवल का सबसे बड़ा कोर्स है। इसकी बुक अगर आप देखोगे तो 1000 पेज की बुक है, ठीक है। तो इतना बड़ा कोर्स है लेकिन आसान है। आसान क्यों है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिक्स आते हैं, कैलकुलेशन ज़्यादा है, थ्योरी ज़्यादा से ज़्यादा 20% आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मार्क्स की थ्योरी होगी, बाकी 80% क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिक बेस है, कैलकुलेशन बेस्ड है। और हम पाकिस्तानी बच्चे, हमें कैलकुलेशन बड़ी अच्छी लगती है, तो ये कैलकुलेशन बेस्ड पेपर है, तो इसलिए इसका पासिंग, वर्ल्ड वाइड पासिंग रेशियो जो है वो 50% से ज़्यादा है। सबसे हाईएस्ट पासिंग जो स्किल लेवल का जिस पेपर का है वो है टैक्स का पेपर, ठीक है। तो न्यूमेरिक बेस्ड पेपर है, तो इसलिए याद कैसे होगा, रूल्स कैसे याद होंगे, प्रैक्टिस, हैंडआउट्स और रिविजन किट, हैंडआउट और रिविजन किट, प्रैक्टिस करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, रूल्स याद हो जाएंगे। ये कैलकुलेशन के रूल्स उस वक्त याद होते हैं जब आप क्या करते हो, चीज़ों की बार 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 क्या करते रहते हो, प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप ऐसे करोगे कि भाई पेपर से 15 दिन पहले पढ़ूंगा और टेक्स्ट का पेपर मेरा पास हो जाएगा, तो सॉरी ऐसा नहीं होने जा रहा। टेक्स्ट के पेपर में स्टार्ट से ही, अब रमज़ान शरीफ भी है बीच में, ईद भी है, तो स्टार्ट से ही थोड़ा थोड़ा पढ़िए, आराम से हंसते हंसते पेपर हो जाएगा। लेकिन अगर आप आखिरी के लिए बचा के रखोगे कि यार 15 दिन पहले मैं ऑफिस का ऑफ लूँगा और पढ़ूंगा, तो नहीं होगा। रोज़ पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, आधा घंटा पढ़ो, इंशाल्लाह पेपर आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आप आखिरी के लिए बचाओगे तो पेपर पास नहीं होने जा रहा। अब सेक्शन ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, अब इसका कोर्स आउटलाइन क्या है। देखो तीन तरह की चीज़ें हैं। एक होता है इंडिविजुअल, क्या होता है इंडिविजुअल, दूसरी होती है पार्टनरशिप, क्या होती है, और तीसरी होती है कंपनी। तीसरी क्या होती है, कंपनी। इंडिविजुअल, पार्टनरशिप या कंपनी, हम इस कोर्स में इन तीनों को डील करते हैं। हम ये देखते हैं कि भाई टैक्स देना है तो एक इंडिविजुअल कैसे टैक्स देगा, एक पार्टनरशिप कैसे टैक्स देगी और एक कंपनी कैसे टैक्स देगी। यानी कोर्स में हमारे पास पहली चीज है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब एक आदमी। अब आप लोगों ने कहा सोल ट्रेडर, मैं यहाँ कहूंगा बिल्कुल सही है, सोल ट्रेडर इज करेक्ट आंसर। लेकिन इंडिविजुअल को सिर्फ सोल ट्रेडिंग से नेट प्रॉफिट नहीं मिलता, इंडिविजुअल और भी तरीकों से कमाता है। इन्वेस्टमेंट करके इंटरेस्ट कमा सकता है, इन्वेस्टमेंट करके डिविडेंड भी कमा सकता है, शेयर्स खरीद के डिविडेंड भी कमा सकता है, और भाई जॉब सैलरी नहीं कमाते इंडिविजुअल, इनकम फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट यानी सैलरी भी कमाता है। अभी मैं यही बता रहा हूं, एक इंडिविजुअल एम्प्लॉयमेंट इनकम भी कमा सकता है, एम्प्लॉयमेंट इनकम, एक इंडिविजुअल ट्रेडिंग इनकम से भी पैसा बना सकता है, एक इंडिविजुअल हराम इंटरेस्ट इनकम भी कमा सकता है, एक इंडिविजुअल किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करके डिविडेंड भी कमा सकता है, और एक इंडिविजुअल जब बुढ़ा हो जाए, सही है, रिटायर हो जाए, तो वो पेंशन से भी पैसा कमा सकता है, सही है। तो ये 1 2 3 4 5 कितनी टाइप्स हो गई। तो अब हमारा कोर्स इंडिविजुअल के लिए मोस्टली इन 5 चीजों पे घूम रहा होता है कि हम ये 5 चीजें करते हैं। और एक चीज और होती है, सोचो जरा, एक इंडिविजुअल लैंडलॉर्ड भी तो हो सकता है,
जमींदार हो सकता है, साईं बाबा प्रॉपर्टी इनकम भी कमा सकता है कि नहीं। तो एक इंडिविजुअल लैंडलॉर्ड भी हो सकता है, और लैंडलॉर्ड जो है उसकी जो इनकम होती है उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी इनकम। तो ये 5 + 1 कितनी इनकम है हमारे कोर्स में, 6। किसके लिए है ये, अब बात समझना। हम पढ़ते हैं टैक्स, हमारे जहन में ये होता है कि यार इस पेपर में टैक्स लगाना सीखेंगे, पेपर जहन में क्या होता है, टैक्स लगाना सीखेंगे, हम टैक्स की कंप्यूटेशन करेंगे। तो ये आपकी सोच है, अकाउंटिंग से निकलता है ट्रेडिंग इनकम यानी नेट प्रॉफिट। ट्रेडिंग इनकम को आप आसान जबान में बोल सकते हो नेट प्रॉफिट। सवाल ये है कि भाई अकाउंटिंग के रूल्स को फॉलो करके आप निकालते हो क्या नेट प्रॉफिट, या टैक्स आपके नेट प्रॉफिट को मान लेगा? तो टैक्स कहता है पिंड द चौधरी मैं हूं, बदमाश यहाँ पे मैं हूं, चलेगी हमारी, हम आपकी अकाउंटिंग के रूल्स को नहीं मानते, हम आपकी अकाउंटिंग को नहीं मानते, हम तो टैक्स हैं। तो टैक्स है तो कौन हो भाई, वो कहते हैं हम हैं HMRC। हम कौन है, HMRC मतलब हिज मैजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम, ये टैक्स डिपार्टमेंट का नाम है यूके के। पाकिस्तान के टैक्स डिपार्टमेंट कौन सा है, FBR। यूके का कौन सा है, HMRC। HMRC कहते हैं कि चौधरी में हूँ, बदमाश में हूँ, यहाँ चलेगी मेरी। वो कहते हैं ये जो आप अकाउंटिंग के हिसाब से ये इनकम निकालते हो ना, इसको मैं नहीं मानता। टैक्स के पेपर में सिर्फ टैक्स ही नहीं निकालना सीखेंगे, हम सीखेंगे पहले इनकम को कैसे निकालना है, यानी हम इनके अंदर सीखेंगे कि टैक्सेबल इनकम कैसे निकलेगी, पहले ये सीखेंगे, देन उस पर हम लगाएंगे टैक्स, टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे। यानी पहले इनकम जो अकाउंटिंग के हिसाब से है ना, उसको खली वली कर देंगे, उसको इग्नोर कर देंगे। टैक्सेबल इनकम मतलब टैक्स के रूल्स के हिसाब से कैलकुलेट हुई हुई इनकम। टैक्सेबल इनकम मतलब टैक्स के रूल्स के हिसाब से कैलकुलेट हुई हुई इनकम। और टैक्स लायबिलिटी, जब आप इनकम को टैक्स के रूल्स के हिसाब से निकाल लोगे तो फिर आप उस पर क्या लगाओगे, टैक्स लगाओगे। यानी टैक्स के पेपर में सिर्फ टैक्स ही नहीं लगाना, टैक्स के पेपर में पहले इनकम कैलकुलेट करनी है, और जब इनकम कैलकुलेट हो जाए तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद उसके ऊपर टैक्स की वर्किंग होगी। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है सबको। टैक्स के रूल बिल्कुल सही कहा, टैक्स के रूल से हिसाब से इनकम निकालेंगे और फिर उसके ऊपर क्या लगा देंगे, टैक्स लगा देंगे। जो हमारे साथ ऑनलाइन पे बच्चे हैं उनको कोई क्वेश्चन हो तो आप भेज सकते हैं। ठीक है, अवेश साहब कह रहे हैं क्लियर, ओके फाइन गुड। अब एक सवाल है सर, ये टॉपिक पहला टॉपिक है, ये सबसे बड़ा टॉपिक है हमारे कोर्स का, जिसमें सारी इनकम सीखेंगे और इस पे क्या लगाना सीखेंगे बाद में, टैक्स। सेक्शन सी का क्वेश्चन 15 मार्क का एक क्वेश्चन लाजमी यहां से आएगा, ये मैं नहीं कहता, ये आपका एग्जामिनर कहता है इंडिविजुअल से। अब इसमें से MCQ कितने आएंगे, MTQ कितने आएंगे, आएंगे कितने भी डोंट नो, क्योंकि MCQ और MTQ यानी सेक्शन ए और सेक्शन बी के लिए एग्जामिनर ने कहा कि ये पूरे कोर्स में से कहीं से भी आ सकता है, लेकिन सेक्शन सी जो एक्सेल बेस्ड है हमारा, उसके लिए एग्जामिनर ने हमें बताया है। जी, आप कॉपी करते जाइए। एग्जामिनर ने हमें बता दिया कि भाई कुछ भी हो जाए
टैक्स का पेपर जो आएगा आपका, उसमें 15 मार्क्स 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर होगा, और एमसीक्यूज भी होते हैं, एक एमटीक्यू भी आ सकता है। हम एमसीक्यूज और एमटीक्यूज पे बात करेंगे, लेकिन जो अभी कंफर्म है ना, हमने उसकी बात की कि हमारे पेपर में 15% मार्क्स सिर्फ इस टॉपिक के, और ये हमारा टॉपिक नंबर 1 हो गया, जिसको हम कहते हैं टैक्सेशन फॉर इंडिविजुअल्स। टैक्सेशन फॉर इंडिविजुअल्स का ये पहला टॉपिक, कॉपी कर लीजिए फिर बताइए। ये तो अभी हम किट करेंगे ना, तो क्वेश्चंस की टाइप किस तरह से सॉल्व करना है, अभी तो हमने शुरू किया है, अभी तो टाइम है, हम पूरा आपको पैटर्न बताएंगे। हम कैपलाइन की किट क्लास में यूज करेंगे, प्रैक्टिस के लिए आप बीबीबी रेफर कर सकते हैं। सही है, हमने पहले भी कहा कि कैपलाइन की किट आपने लेनी है क्लास के लिए, क्लास में हम कैपलाइन यूज करेंगे, बीबीबी आप घर पे प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स तो मैं दूंगा और मैं ऑनलाइन वालों के लिए ग्रुप में भी शेयर कर रहा हूँ, यह भी दे देंगे आपको। ठीक है, ये हमारा पहला हैंड आउट है, मैंने ग्रुप में भी शेयर कर दिया। वालेकुम सलाम। अब ये हमारा पहला टॉपिक है, ठीक है, आपको मैं जल्दी से बता देता हूँ, ऑनलाइन भी क्लास है और रिकॉर्डेड भी है, ठीक है, तो आपको पोर्टल पे मिल भी जाएगी। तो पहला टॉपिक इंडिविजुअल की टैक्सेशन है, जिसके अंदर एक इंसान, एक इंडिविजुअल 6 तरीके से इनकम जनरेट करता है हमारे कोर्स के लिए। या वो लैंडलॉर्ड होता है, प्रॉपर्टी इनकम कमाता है, डिविडेंड से उसको पैसे मिलते हैं, इंटरेस्ट से मिलते हैं, प्रॉफिट नेट प्रॉफिट यानी सोल ट्रेडर सैलरी या पेंशन, इन जरियों से वो पैसे कमाता है। वो पैसे अकाउंटिंग के हिसाब से हम नहीं कैलकुलेट करेंगे, हम HMRC, ये टैक्स डिपार्टमेंट है, हर मैजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम, इसके रूल्स के हिसाब से उस इनकम को कैलकुलेट करेंगे, जिसको टैक्सेबल इनकम बोलते हैं, और उस पर फिर क्या लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे। ये पहला टॉपिक है जिससे एग्जाम में सेक्शन सी में एक क्वेश्चन लाजमी आएगा, जिसकी वेटेज कितने मार्क्स की है, 15 मार्क्स की। ठीक है, दूसरा टॉपिक हमारे पास ये इंडिविजुअल हो गया, एग्जामिनर ने कहा कि भाई जो सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कॉर्पोरेशन टैक्स। कौन सा टॉपिक है अब सेकंड? ऑर्गेनाइजेशन F1 में बोलते थे, यहां पे हम कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेट बोलते हैं, कंपनी बोल दो कि कंपनी क्या होती है, जो शेयर होल्डर्स की होती है ना, रजिस्टर्ड लिमिटेड लायबिलिटी, प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। अब कंपनी कैसे टैक्स देगी, कंपनी का आपने FR पढ़ा हो या F3 बेसिक अकाउंटिंग का पेपर पढ़ा है, उसके अंदर इनकम स्टेटमेंट जिसका नाम होता है SOCI, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ऐसा ही है ना, या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट बनाई है ना जिंदगी में, बैलेंस शीट छोड़ दो, इनकम स्टेटमेंट बनाई, इनकम स्टेटमेंट के अंदर प्रॉफिट आता है, कंपनी का प्रॉफिट है, कंपनी उस प्रॉफिट पे टैक्स कैसे देगी जी, तो इसको सिखाते हैं इस टॉपिक के अंदर कॉर्पोरेशन टैक्स, और इसकी भी वेटेज हमारे पास कितने मार्क्स की है, सेक्शन सी में एग्जामिनर ने कहा कि लाजमी एक क्वेश्चन दूंगा सेक्शन सी में किस टॉपिक पे, कॉर्पोरेशन टैक्स पे, ये दो टॉपिक हो गए। इसको भी लिख लीजिए।
हम नोट्स समराइज्ड है ना, नहीं नोट्स से आसानी रहेगी आपको। छह इनकम आती हैं टैक्सेशन फॉर इंडिविजुअल में, और कॉर्पोरेशन अलग ही टॉपिक है, इसको हम फर्दर खोलेंगे जब हम इसको पढ़ेंगे। अब ये दो टॉपिक 30 मार्क्स आपको पेपर में लाजमी देके जाएंगे। बाकी टॉपिक्स आएंगे पेपर में नहीं आएंगे उस पर कोई गारंटी नहीं है, यानी अब मैं जो टॉपिक्स के नाम लिखूंगा वो आएंगे या नहीं आएंगे उसकी गारंटी नहीं है, इनकी गारंटी है। एग्जामिनर ने कहा बेटा 15 इधर और 15 इधर, 15 and 15 मार्क्स तो दूंगा, तो पहले हाँ सेक्शन सी में वो भी जिसके अंदर है, आपका CRQ है ना, जिसमें आपको एक्सेल पे क्या करना है आंसर टाइप करना है, तो एग्जामिनर ने यहाँ सहूलत दे दी। और ऐसा FR के पेपर में भी है, टेक्स्ट में भी है, एग्जामिनर बताता है कि ये टॉपिक से दूंगा ये टॉपिक से नहीं दूंगा। अब ये दो टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इन पे अच्छी सी क्या होनी चाहिए, ग्रिप होनी चाहिए, प्लस इनसे MCQs भी आते हैं, मैंने आपको कहा है। तीसरा टॉपिक होता है कैपिटल गेन्स टैक्स। तीसरा टॉपिक क्या होता है, कैपिटल गेन्स टैक्स। अब कैपिटल गेन्स टैक्स क्या है, बचपन मतलब आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जब आपने स्टार्ट लिया था, IAS 16 डेप्रिसिएशन पढ़ा था, याद है स्ट्रेट लाइन रिड्यूसिंग बैलेंस। अभी हम उसकी तरफ नहीं जा रहे, हम बात करते हैं जब बचपन में डेप्रिसिएशन पड़ा था तो एसेट डिस्पोज होता था, एसेट बिकता था, एसेट बेचते थे तो क्या आता था, गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल। लॉस को भी थोड़ी देर साइड करो, गेन की बात करो, नफा है, फायदा है, इनकम है। गवर्नमेंट कहती है अच्छा तू एसेट बेच के कमाएगा, एसेट नॉन करंट एसेट बेच के कमाओगे, हमारा हिस्सा किधर है, आपको फायदा हो रहा है ना, गेन हो रहा है, तो इस गेन में मुझे मेरा क्या चाहिए, शेयर चाहिए। इस टॉपिक को बोलते हैं कैपिटल गेन्स टैक्स। ये तीसरा टॉपिक CGT आमतौर पे सेक्शन बी में एक MTQ CGT का आता है, लेकिन कंफर्म नहीं है। पेपर में आएगा जरूर, लेकिन कहाँ आएगा ये, हम सेक्शन ए में भी आ सकता है या सेक्शन बी में, यानी इससे MCQs भी आ सकते हैं और इससे एक 10 मार्क का सिनेरियो भी आ सकता है, ठीक है। सेक्शन सी नहीं है ये, अभी ये क्या चीज है, ये किसको बोलते हैं, जब एसेट बेचते हैं उससे जो अगर गेन हो जाए, उससे अगर इनकम हो जाए, तो हम उसको CGT बोलते हैं। नमाज ब्रेक इंशाल्लाह भी थोड़ी देर में करते, हसन तनवीर ठीक है। रिवैल्यूएशन पे टैक्स नहीं, बेचने पे है, डिस्पोजल पे है। उस पे टैक्स है। हाँ, एसेट बेचा नफे में, फायदे पे, गेन ऑन डिस्पोजल हुआ तो उस पे टैक्स देना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर आपका एसेट बेचा आपने और उससे आपको प्रॉफिट हुआ तो उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। प्लस शेयर्स होते हैं आपके पास कंपनी के, शेयर्स भी अगर आप बेचते हो तो उस पे भी आपको जो टैक्स देना पड़ता है, यानी इसको मैं लिख रहा हूं
डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट एंड डिस्पोजल ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। आप कोई नॉन करंट एसेट बेचो या आप कोई शेयर्स बेचो और इस पे क्या हो जाए, गेन हो जाए। क्या हो जाए मिस्टर उमर? गेन हो जाए। तो आपको क्या देना पड़ेगा? गवर्नमेंट का हिस्सा, और गवर्नमेंट के इस हिस्से का नाम है कैपिटल गेन्स टैक्स। ठीक हो गया। तीन टॉपिक, चौथा टॉपिक ये बड़ा मजेदार टॉपिक है। मोस्टली हमारे पेपर का थ्योरी इस पार्ट से आ रहा है। हमारे पेपर में जो थ्योरी आती है वो मोस्टली इस पार्ट से आ रही होती है, जिस पार्ट का नाम है वैल्यू एडेड टैक्स, F3। पाकिस्तान में बोलते हैं सेल्स टैक्स, UAE में वैल्यू एडेड टैक्स, UK में वैल्यू एडेड टैक्स। थोड़ा सा डिफरेंस होता है GST और VAT के अंदर, लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही है। हाँ, ये सब सीखेंगे, लेकिन हम UK के हिसाब से सीखेंगे क्योंकि हमारे पेपर का वेरिएंट है UK वेरिएंट। ठीक है, लेकिन जो UK वेरिएंट है उससे मिलता जुलता ही हमारा पाकिस्तान इंडिया का वेरिएंट है, कोई फर्क नहीं है। अब बात समझना, आपने F3 में पढ़ा कि जब भी कोई चीज बिकती है उस पर क्या देना पड़ता है? सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स बोले तो सही है, 15%, 20%। आपने F3 में कितने परसेंट लगाया था? 20%। तो वैट UK में कितने परसेंट है? 20%। पाकिस्तान में सेल्स टैक्स 17 था, अब इस महीने से वो 18 हो गया है, 18% हो गया है। पाकिस्तान में सेल्स टैक्स 18% है, लेकिन हमारा कोर्स पाकिस्तान का कोर्स नहीं है। हम कौन सा कोर्स पढ़ रहे हैं? UK का कोर्स पढ़ रहे हैं। तो UK में सेल्स टैक्स यानी वैल्यू एडेड टैक्स कितने परसेंट है? 20%। इसके रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, इसकी कैलकुलेशन है, इसको हम देखते हैं इस टॉपिक के अंदर। और वैट से सेक्शन ए में अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी है। मैंने कहा था पेपर 80% न्यूमेरिक्स होता है, न्यूमेरिकल होता है, 20% पेपर आमतौर पे थ्योरी का होता है। और थ्योरी मोस्ट लाइकली होती है कि थ्योरी में एक टॉपिक जो है वो वैट जरूर एग्जामिन करता है, क्योंकि वैट हमारा 2 चैप्टर्स हैं बुक के अंदर और इसमें थ्योरी भरी हुई है। कैलकुलेशन इतनी मुश्किल नहीं है, और आप इसी कैलकुलेशन ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस टैक्स अपने F3 में भी थोड़ा सा टेस्ट करके आए हैं। जी जी, इसके बाद एक अगला टॉपिक, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक, बड़ा मजेदार टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है IHT, IHT इनहेरिटेंस टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स विरासत, इनहेरिटेंस। देखो वो एक बात है, खाली हाथ आए थे और इस दुनिया से खाली हाथ जाएंगे, ऐसे ही है ना, कफन में जेब नहीं होता, ऐसे ही है। तो आपके पास रॉल्स रॉयल्स हो, आपके पास ऑडी हो, आपके पास आईफोन हो, 14 प्रो मैक्स हो, जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे तो ये सब किसके पास रह जाएगा? आपकी जौजाए मोहतरमा के, बच्चों के पास, या आप अगर किसी के नाम लिख के गए हो तो उसके पास। तो यहाँ पे आ जाता है टैक्स, कहता है अच्छा आपको विरासत मिली है, इनकम है ये, भाई अब्बा मर गए इस फाइन, बट अब्बा आपके लिए क्या छोड़ के मरे? अब्बा गाड़ी छोड़ के मरे, अब्बा 5 करोड़ रुपया छोड़ के मरे, अब्बा ये छोड़ के गए, आपको तो मिला ना 40% टैक्स दे दो। UK है, ठीक है, पाकिस्तान अलग है, पाकिस्तान को भूल जाओ, पाकिस्तान में कौन देता है टैक्स इस तरह से? ठीक है, अभी UK चल रहा है। तो UK में मौत पे टैक्स, यानी बंदा अगर कोई चीज छोड़ के मर जाए
यानी बंदे की मौत हो तो टैक्स की इम्प्लीकेशन क्या होगी, इस टॉपिक को कहते हैं IHT, इनहेरिटेंस टैक्स। क्या कहते हैं इस टॉपिक को? इनहेरिटेंस टैक्स। और इसको हम देखेंगे, हमारे पास इंडिविजुअल की टैक्सेशन हो गई, कंपनीज की टैक्सेशन हो गई, CGT आ गया, वैल्यू एडेड टैक्स हमने देखा, इनहेरिटेंस टैक्स की हमने बात की। इसके बाद हमारे पास कुछ मिक्स टॉपिक्स हैं, जिसको कहते हैं टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड UK टैक्स सिस्टम। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में हम ये समझेंगे कि भाई टैक्स कब देना है, किस तारीख को देना है, कितना देना है, वन शॉट टैक्स देना है कि इंस्टॉलमेंट में देना है, ये सारी चीजें। कि टैक्स की ड्यू डेट क्या होगी, टैक्स रिटर्न यानी टैक्स की वर्किंग किस पैटर्न पे होगी, गवर्नमेंट को जमा कब होगा, टाइम पे जमा नहीं कराओगे तो गवर्नमेंट माफ कर देगी कि फाइन लगाएगी, कितना फाइन लगाएगी, कितनी पेनल्टी चार्ज करेगी, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। टॉपिक का नाम है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अंदर भी कैलकुलेशन है लेकिन थ्योरी ज्यादा है। यहाँ पे हमें डेट्स याद करनी पड़ती हैं। क्या याद करना पड़ता है? तारीखें याद करनी पड़ती हैं, डेट्स याद करनी पड़ती हैं कि किस दिन वैट है, किस दिन पे करना है, इनहेरिटेंस टैक्स है किस दिन पे करना है, कैपिटल गेंस टैक्स है किस दिन पे करना है, कंपनीज अपना टैक्स एक साथ पे करेंगी, चार इंस्टॉलमेंट में पे करेंगी और किस दिन पे करेंगी, एक इंडिविजुअल है वो अपना टैक्स कब पे करेगा, टाइम पे अगर इन लोगों में से किसी ने भी काम नहीं किया, जमा नहीं करवाया तो उसको कितना फाइन होगा, किसी ने दो नंबरी की और पकड़ा गया यानी टैक्स इवेट किया, टैक्स इवेजन मतलब टैक्स फ्रॉड, सही है, इलीगल, टैक्स इवेट किया और पकड़ा भी गया तो फिर उसके साथ क्या होगा, उसको कितना फाइन होगा, उसको क्या सजा मिलेगी, ये सारी चीजें टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के टॉपिक के अंदर हमें देखनी है। F4 आप में से पास है, F4 पास है, अभी देंगे, ठीक है। एक टॉपिक पढ़ते हैं F4 में बच्चे, इंग्लिश लीगल सिस्टम, कोर्ट क्या होती हैं, मजिस्ट्रेट कोर्ट क्या है, ये कोर्ट पर, ये सारी चीजें आप पढ़ते हो। अब टैक्स के लिए भी कुछ सिस्टम होता है, डिपार्टमेंट का क्या नाम है, HMRC बोले तो हिज मेजेस्टी, अब आंटी जा चुकी है दुनिया से, अब हिज हो गया है, पहले हर था, हिज मेजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम में कितने डिपार्टमेंट्स हैं, आपको कंप्लेन करनी हो तो कहाँ करोगे, आपका मसला कोई सुन नहीं रहा यहाँ पे तो कहाँ जाओगे, अपील कैसे होगी, यानी स्ट्रक्चर ऑफ टैक्स सिस्टम क्या है। जैसे कोर्ट्स का स्ट्रक्चर आपने इंग्लिश लीगल सिस्टम F4 में पढ़ा था, यहाँ पे आप पढ़ोगे क्या टैक्स का लीगल स्ट्रक्चर UK के अंदर क्या है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ मेन टॉपिक्स हैं, 6 मेन टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर हमारा कोर्स जो है वो डिपेंडेंट है। और हमने आपको बताया कि FR से भी बड़ा कोर्स है हमारा, पूरे ACCA स्किल्स में हाईएस्ट पासिंग टैक्स का है और सबसे बड़ा कोर्स भी जो है वो किसका है, टैक्स का है। पासिंग रेशियो सबसे ज्यादा किसका है, टैक्स का, और कोर्स भी सबसे बड़ा किसका है। हैंडआउट्स आपको प्रोवाइड करेंगे और आपने कैपलेन की किट लेनी है, कैपलेन की किट हम क्लास में सॉल्व कर रहे होंगे और फर्दर प्रैक्टिस के लिए आपने BBP की किट यूज करनी है। एक चीज बड़ी मशहूर है कि टैक्स का कोर्स सर चेंज होता रहता है, ये स्टूडेंट्स ये सुनते हुए आते हैं कि सर टैक्स का कोर्स चेंज होता रहता है, तो हाँ ये चेंज होता रहता है लेकिन इसकी चेंज की फ्रीक्वेंसी ऐसी नहीं है जैसे आप लोग समझते हो। अब आप लोग कौन से अटेम्प्ट में पेपर देने जा रहे हो, इंशाल्लाह जून में पेपर देने जा रहे हो, ऐसे ही है ना,
जून क्या 23, फिर सितंबर 23, फिर दिसंबर 23, और फिर ये चार अटेम्प्ट्स के लिए हमारा कोर्स सेम है। ACCA हर साल नया टैक्स, देखो पाकिस्तान में रहते हो ना, हर साल बजट आता है, बजट आता है तो बजट में टैक्स के रूल्स क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, टैक्स के रूल्स चेंज हो जाते हैं, टैक्स की परसेंटेज बदल जाती है। तो ये साल में क्या होता है, यूके में साल में एक बार होता है, सही है। बजट को फाइनेंस एक्ट बोलते हैं, बजट को क्या बोलते हैं, और फाइनेंस एक्ट पाकिस्तान में कब आता है, जुलाई से अप्लाई होता है, जून में बजट आ रहा होता है। तो साल में ये एक एक्टिविटी होती है। तो यूके में भी जो टैक्स के रूल्स आते हैं ना, वो एक साल के लिए होते हैं। तो ACCA ने क्या किया, जो रूल्स हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, जो टैक्स रूल्स आपको पढ़ाएंगे, वो जून अटेम्प्ट में भी चलेंगे। अल्लाह ना करे किसी वजह से कोई स्टूडेंट पढ़ तो अभी ले, लेकिन जून अटेम्प्ट में पेपर नहीं दे पाए, या अल्लाह ना करे पेपर दे दिया और आप समझते हैं पेपर क्लियर नहीं हुआ, तो क्या उसको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, तो नहीं। यही कोर्स सितंबर में भी चल रहा है, यही कोर्स दिसंबर में भी चल रहा है, और यही कोर्स मार्च में भी चलेगा। हाँ, कोई बेचारा मार्च में पेपर देता है और मार्च में वो फेल हो जाता है, और फिर वो री अटेम्प्ट करता है जून 2024 में, तो उसके लिए मसला है कि उस वक्त रूल्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तो उसको फिर ध्यान से ज्यादा फोकस होके बुक को या क्लासेस को लेना पड़ेगा। लेकिन आप लोग लकी हैं, आप लोगों के लिए ये चार अटेम्प्ट्स का क्वेश्चन मौजूद है, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने पास करना है, ठीक है, इंशाल्लाह। हम इंडिविजुअल से कोर्स स्टार्ट करते हैं कि इंडिविजुअल का टैक्सेशन किस तरह से होगा, सही है। हम इंडिविजुअल से कोर्स स्टार्ट करते हैं और हम ये देखते हैं कि इंडिविजुअल टैक्स कैसे पे करेगा, और ये हमारे कोर्स का सबसे बड़ा पार्ट है, और इससे लाजमी 15 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा और MCQs भी आते हैं। याद रखना, इंडिविजुअल के टैक्स स्टार्ट करने से पहले हमें एक बात पता होनी चाहिए, वो बात है टैक्स ईयर। अकाउंटिंग की है कभी जिंदगी में, F3 पास किया है ना, सही है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर पास किया है, FA1 भी दिया है, FA2 भी दिया है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये देखा है ना, ईयर एंड होता है, क्या होता है, ईयर एंड होता है, अकाउंटिंग ईयर एंड, आपने F7 भी दे दिया है, तो रिपोर्टिंग पीरियड, यानी अकाउंटिंग एक साल की होती है। अकाउंटिंग में जो प्रॉफिट निकलते हैं वो किसके लिए निकलते हैं, साल के लिए निकलते हैं, ऐसा ही है ना, यानी फाइनेंशियल ईयर के लिए काम करते हैं। तो टैक्स भी एक साल के लिए रूल्स होते हैं, हर साल रूल्स बदलते हैं। अब आपका जो कोर्स है वो कौन से टैक्स ईयर पे बेस करता है, ये मैंने शॉर्ट में लिखा, क्या लिखा, 22-23, क्या लिखा, 22-23। आप जो जून अटेम्प्ट में या सितंबर में या दिसंबर या मार्च 2024 अटेम्प्ट में पेपर देने जाओगे, वो किस रूल्स की बेस पे पेपर देने जाओगे, 22-23 टैक्स ईयर 22-23। अब एक बात है सर, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म देखिए, इसका फुल फॉर्म है 6 अप्रैल 2022 से ये शुरू होता है और 5 अप्रैल 2023 पे ये खत्म हो जाता है, यानी टैक्स ईयर स्टार्ट होता है, खत्म होता है 2023 पे, डेट्स फिक्स हैं। 6 अप्रैल से शुरू होगा टैक्स ईयर यूके का और कब खत्म होगा, 5 अप्रैल। अब आपके जहन में एक सवाल आएगा, सर ये कैसे अजीब सा है, हम तो अकाउंटेंट हैं, हम तो जनवरी टू दिसंबर अकाउंटिंग करते हैं या
31 मार्च पे ईयर एंड करते हैं तो 1 अप्रैल से शुरू करते हैं, या जुलाई टू जून ईयर एंड करते हैं, तो वो आप है ना, वो आप हैं, आप मतलब आप एक इंडिविजुअल है, आपकी मर्जी है। लेकिन अभी हम कौन सा पेपर पढ़ रहे हैं, और मैंने कहा था यहाँ पे पिंड द चौधरी कौन है, बदमाश कौन है, HMRC। तो टेक्स्ट ईयर हमने नहीं निकाला है, टेक्स्ट ईयर कहाँ से आया है, HMRC ने कहा बेटा टेक्स्ट ईयर वो होता है जो कौन सी डेट से शुरू होता है, 6 अप्रैल से होता है, और कब खत्म होता है, 5 अप्रैल। हम पूछेंगे टैक्स डिपार्टमेंट से क्यों, कि हम बोलेंगे ओके सर फाइन, क्या करेंगे, ओके ही बोलेंगे ना, वो टैक्स अथॉरिटी है, हम उससे लड़ने नहीं जा रहे। टैक्स एक लॉ है, टैक्स क्या है, कानून होता है, फाइनेंस एक्ट है, ये पार्लियामेंट में पास होता है, लॉ को क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है, लॉ को क्या किया जाता है, कानून को फॉलो किया जाता है। तो कानून में क्या लिखा हुआ है कि एक इंडिविजुअल के लिए टैक्स ईयर 6 अप्रैल से शुरू होगा और 5 अप्रैल पे क्या हो जाएगा, खत्म। कैलकुलेशन कैसे होगी बेटा, हम सब सिखाएंगे, आप टेंशन क्यों लेते हो, आप इसको मैच नहीं करो, आप इसको रियल लाइफ से मैच नहीं करेंगे। लॉस जिस तरह डिफाइन होते हैं ना, उसी तरह से उसको सॉल्व करते हैं। आप ये नहीं देखो कि आज क्या तारीख है, इसको नहीं देखना। ACCA ने क्या कहा, ये 22-23 का टैक्स ईयर रेलिवेंट है कौन सी अटेम्प्ट के लिए, जून सितंबर दिसंबर 23 एंड मार्च 24। तो यही टैक्स ईयर के रूल्स चलेंगे पूरे 4 अटेम्प्ट्स। रियल में क्या डेट चल रही है आज की तारीख में, उससे इसको मैच करने की कोई जरूरत नहीं है। टैक्स ईयर वो होता है जो 6 तारीख को स्टार्ट होता है, 6 अप्रैल से, और 5 अप्रैल को क्या हो जाता है, खत्म। यहाँ तक कोई मसला, 10 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं, नमाज पढ़ते हैं, फिर इसको रिज्यूम करते हैं, ठीक है। तो जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, हम 10 मिनट बाद ज्वाइन करेंगे नमाज ब्रेक के बाद। यहाँ पे एक हाइब्रिड क्लास का कॉन्सेप्ट है ना, हाइब्रिड क्लास का कॉन्सेप्ट ये है कि हम तो आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आज वो पेन नहीं है, वरना तो मैं पेन से भी लिखता तो आपको और क्लियर नज़र आता है, जो ऑनलाइन वाले जिस तरह ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं। अब आप क्लास में आए हुए हैं और हमारे पास कुछ बच्चे ऑनलाइन भी कनेक्टेड हैं, तो आप क्लास में आके लें या आप घर से बैठ के लें, चॉइस आपकी है। और ये जो भी क्लास हो रही है सब रिकॉर्डेड है, जब आप रजिस्टर्ड होते हैं तो आपको वो रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है ना, यहाँ का ACCA का होता है, और तवानीस का, जैसे हमारे पास अभी US हैं ACB22 करके उनके एक, तो वो आपका यहाँ रजिस्ट्रेशन होगी ना, तो यहाँ का मिल जाएगा, तो फिर इसका वो पोर्टल मिलता है। तो जो जो हमारी क्लासेस होती जाएंगी ना, ये क्लासेस पोर्टल पे एक दो दिन में ही अपलोड कर देते हैं, फिर आप उसको दोबारा से देख भी सकते हो। यानी आपके पास ऑनलाइन क्लास भी है, आप आके भी पढ़ सकते हो सामने, और आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स घर पे अवेलेबल होते हैं। वहाँ पूछें जॉब वाले जो है ना, म्यूचुअली डिसाइड करके रखें कि अगर 3 बजे तक
हम कर लें, वो हम डिसाइड करेंगे कि आपकी ऑफिस टाइमिंग क्या आती है, इसके बाद हम डिसाइड। हम म्यूचुअली एग्री करके टाइमिंग रख लेंगे रमजान की। अभी बैच का पहले क्लास है, जैसे ही बच्चे फाइनल हो जाएंगे और बैच स्टार्ट हो जाएगा हम इंशाल्लाह टाइमिंग है। अभी एक पहली क्लास है ना, नेक्स्ट क्लास से ही फाइनल होता है ना। चले तो हमने अभी बात की टेक्सचर की। टेक्सचर क्या होता है, किसके लिए? इंडिविजुअल के लिए। हम अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ये इंडिविजुअल है, ये कंपनीज को अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, हम डिस्कस कर रहे हैं इंडिविजुअल को कि इंडिविजुअल की टैक्सेशन किस तरह से होती है। ठीक है, अब इंडिविजुअल की टैक्सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने बात की टैक्स ईयर की। ठीक है, इस टैक्स ईयर में अगर कोई बंदा एम्प्लॉयमेंट इनकम अर्न करे, ट्रेडिंग इनकम अर्न करे, पेंशन उसको मिल जाए, प्रॉपर्टी इनकम यानी रेंट उसको मिल जाए, इंटरेस्ट उसको मिल जाए या डिविडेंड उसको मिल जाए, तो इस पे अप्लाई होता है टैक्स। और कौन सा टॉपिक चल रहा है? टैक्सेशन फॉर इंडिविजुअल, और वेरिएंट कौन सा है? यूके वेरिएंट। ठीक है, जो ऑनलाइन वाले हैं उनको आवाज क्लियर आ रही है? नहीं आ रही है तो चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और कोई क्वेश्चन भी हो तो चैट बॉक्स में बताइएगा या आप पूछ भी सकते हैं, और कोई चीज समझ नहीं है तो पूछ लीजिएगा, और अभी तक सब क्लियर है तो ओके लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ऑनलाइन वालों कुछ चैट बॉक्स में लिखो यार, ताकि पता चले आप लोग हैं। चलो ओके, चले मैसेज आ रहे हैं। अब देखो टैक्स ईयर 22-23 इंडिविजुअल की बात है। मैंने क्या कहा था, इनकम भी कैलकुलेट करनी है और टैक्स भी लगाना है। अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक, इसमें हम ये अज्यूम करेंगे कि इनकम कैलकुलेटेड है। क्या अज्यूम करेंगे? कि इनकम कैलकुलेटेड, यानी इस टॉपिक के दो पार्ट्स हैं, कैलकुलेशन ऑफ इनकम और दूसरा है कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करना इज कॉल्ड कैलकुलेशन ऑफ इनकम, और उस पर टैक्स लगाना इज कॉल्ड कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। बात समझ आ रही है? अब अभी के लिए एक दो क्लासेस में हम टैक्स लगाना सीखेंगे। हम क्या सीखेंगे? हम टैक्स लगाना सीखेंगे। थैंक यू। हम टैक्स लगाना सीखेंगे, इसका मतलब ये होगा के इनकम दी हुई है। हम ये अज्यूम करेंगे कि इनकम गिवन है। अब दो तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, फिर हम हैंडआउट की तरफ आएंगे। देखो एक चीज होती है, मैं लिख रहा हूं नॉन सेविंग। क्या लिखा हुआ है मैंने? नॉन सेविंग। यूके की गवर्नमेंट जो है ना, उसने इंडिविजुअल की इनकम की तीन कैटेगरीज की हैं। कितनी कैटेगरीज की हैं? टैक्स के हिसाब से इनकम की तीन कैटेगरीज होती हैं। पहली क्या है? नॉन सेविंग। पहली क्या लिखी है मैंने? नॉन सेविंग। नॉन सेविंग में क्या आता है? नॉन सेविंग में चार इनकम, छह थी ना टोटल, टोटल कितनी थी? छह। उसमें से चार जो है वो कौन सी हेडिंग में आती है? नॉन सेविंग में। पहली है, देखो हमारे पास एक इनकम थी, इंडिविजुअल कमाता है एम्प्लॉयमेंट से, सैलरी से, इंडिविजुअल कमाता है रेंट से, प्रॉपर्टी इनकम, उसको मिलती है पेंशन, और आखिरी क्या थी? ट्रेडिंग इनकम। ट्रेडिंग इनकम मतलब वो सोल ट्रेडर होता है। ट्रेडिंग इनकम मतलब वो क्या होता है? सोल ट्रेडर होता है और वो प्रॉफिट कमाता है, ऐसा ही है ना। ये चारों इनकम को वो कहते हैं, ये इनकम्स को हम बोलेंगे नॉन सेविंग इनकम्स। क्या बोलेंगे? नॉन सेविंग इनकम की चार टाइप्स हैं, पेंशन, एम्प्लॉयमेंट इनकम, ट्रेडिंग इनकम और प्रॉपर्टी इनकम। नॉन सेविंग इनकम की कितनी टाइप्स हैं?
चार याद कर लो, कौन सी? एम्प्लॉयमेंट इनकम, पेंशन, प्रॉपर्टी इनकम और ट्रेडिंग इनकम। ये चारों इनकम्स को किस हेडिंग में लेंगे? नॉन सेविंग, ये रूल है। ठीक है, एक और हेडिंग होती है जिसको कहते हैं सेविंग। क्या कहते हैं? सेविंग। सेविंग्स में क्या आता है? सेविंग्स में आप लेते हैं इंटरेस्ट इनकम, इसको लेते हैं, और एक और इनकम होती है जिसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। नॉन सेविंग के अंदर सारी इनकम्स क्लब हो जाती हैं एक्सेप्ट इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। इंटरेस्ट और डिविडेंड जो है ये हम नॉन सेविंग में नहीं लेते, इन दोनों को अलग से दिखाते हैं। ये हमारे पास गाइडलाइंस हैं, किसने दी हैं? हर मैजेस्टी, सॉरी हिज मैजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम ने। ये आंटी तो मर गई, तो ये क्वीन तो मर गई, अब कौन है? किंग है, तो हिज मैजेस्टी हो गया। तो भाई नॉन सेविंग में चार, सेविंग में इंटरेस्ट और डिविडेंड अपनी जगह पे आता है। ये तीन कैटेगरीज क्यों बनी हुई हैं? सही है, अगर मैं इसको यूं देखूं तो अगर मैं सेविंग की हेडिंग हटा भी दूं तो कोई मसला नहीं है। ये तीन कैटेगरीज हैं, 1, 2 एंड 3। ये तीन कैटेगरीज क्यों हैं? क्योंकि तीनों पे टैक्स के रेट अलग अलग हैं। नॉन सेविंग पे टैक्स का रेट अलग है, इंटरेस्ट पे टैक्स का रेट अलग है और डिविडेंड पे टैक्स का रेट अलग है। गवर्नमेंट ने कैटेगरीज इसलिए बना दी क्योंकि इन तीनों इनकम पे टैक्स के रेट्स क्या हैं? डिफरेंट हैं, टैक्स के रेट अलग अलग हैं, इसलिए ये तीन कैटेगरीज बनी हुई हैं। यहाँ तक बात समझ आती है? कोई मसला ऑनलाइन वाले बच्चों? कोई सवाल? चैट बॉक्स आपके लिए ही बना हुआ है भाई, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो एक फॉर्मेट हम सीखेंगे आज, इस फॉर्मेट को बोलते हैं मेन फॉर्मेट। क्या बोलते हैं? हैंडआउट्स अभी हमने आपको प्रोवाइड किए हैं, जो ऑनलाइन है उनको मैंने ग्रुप में शेयर कर दिए, तो हैंडआउट ओपन कीजिएगा। शुरू में टैक्स के रेट्स गिवन है, उसको छोड़ दो, ये रेट्स पेपर में भी गिवन होंगे, टैक्स के रेट्स पेपर में भी गिवन होंगे, जो स्टार्टिंग पेज नंबर 2 से पेज नंबर 6 तक दिया हुआ है ये पेपर में दिया हुआ होगा। आपने अभी आना है पेज नंबर 8 पे, पेज नंबर 8 देखो, ये तीन बॉक्सेस बने हुए, मैंने ग्रुप में भेज भी दिया है, वहाँ पे कलरफुल हैंडआउट आपको मिल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आपको हार्ड कॉपी में भी अवेलेबल है। देखो क्या लिखा हुआ है, टैक्स ईयर, अभी हमने पढ़ा टैक्स ईयर क्या होता है, 22-23 मतलब 6 अप्रैल 2022 से 5 अप्रैल 2023 तक इंडिविजुअल के लिए, क्योंकि हम अभी स्टार्ट ही हमने इंडिविजुअल किया है। नेक्स्ट पेज पे आओगे तो आपको नॉन सेविंग और इन्वेस्टमेंट इनकम की बात नजर आएगी, 2-3 बॉक्सेस हैं, ठीक है। एग्जेम्प्ट वाले बॉक्स को भी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इसको मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा, अभी हमने सिर्फ नॉन सेविंग और इन्वेस्टमेंट इनकम यानी सेविंग और डिविडेंड की बात की है। इसके बाद वाले पेज पे आएंगे, पेज नंबर 10 पे क्वेश्चन नंबर 1 नजर आएगा, मिला, और इसके ऊपर एक फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट कैसे बनता है, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न राइट नाउ, ठीक है। ये फॉर्मेट अभी हम बनाने सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 की हेल्प से हम मेन फॉर्मेट स्टार्ट करने जा रहे हैं, ओके। क्वेश्चन 1 को रीड कीजिएगा, मैंने कहा था इनकम गिवन है, क्या दिया हुआ है? ट्रेडिंग इनकम कितनी? 15,000। एक बात पता भी होगी शायद, टैक्स के पेपर के लिए जो करेंसी यूनिट है वो कौन सा है? पाउंड्स, डॉलर नहीं है, कौन सा करेंसी यूनिट है? पाउंड्स। बाकी पेपर के लिए डॉलर होता है, बाकी जितने भी आपने पेपर पहले दिए डॉलर में क्वेश्चन आता था,
ये वाला जो है वो यूके वेरिएंट है, तो क्वेश्चन पाउंड्स में होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, ट्रेडिंग इनकम है, एम्प्लॉयमेंट है, प्रॉपर्टी है, इंटरेस्ट है और डिविडेंड है। हमने कितनी हेडिंग्स पढ़ी है, मेन हेडिंग्स कितनी है, हेडिंग्स नॉन सेविंग्स, इंटरेस्ट और डिविडेंड। तो यहां देखना हमारे पास तीन कॉलम बनेंगे, कितने कॉलम बनेंगे, पहला कॉलम होगा नॉन सेविंग, दूसरा कॉलम होगा सेविंग का जिसका मतलब है इंटरेस्ट, और तीसरा कॉलम होगा डिविडेंड का, और सबसे आखिरी में हमें पता है कि टोटल का कॉलम तो बनाना ही है, प्रेजेंटेशन है ना, टोटल का कॉलम बनाना। अब सबसे पहली इनकम पढ़ो, क्या लिखी हुई है, कौन सी इनकम लिखी हुई है सबसे पहले नंबर पे, ट्रेडिंग इनकम। ट्रेडिंग इनकम किस हेडिंग में आती है, देखो ये सामने लिखी हुई हेडिंग, नॉन सेविंग में आती है, तो मैं लिखता हूं ट्रेडिंग इनकम नॉन सेविंग का कॉलम है ये। ठीक है, थोड़ी खूबसूरती ले आते हैं काम, ये हमने लाइनें भी खींची, बस इसको उठाना है और इन तीनों हेड्स में पेस्ट कर देना है, बस आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज कहाँ आनी चाहिए। ट्रेडिंग इनकम नॉन सेविंग में आती है आपने कहा मुझे, सामने लिखा हुआ भी है, कितनी है भाई, 15,000 pounds। एम्प्लॉयमेंट इनकम कहाँ आएगी, नॉन सेविंग में आएगी, कितनी है, फिर कौन सी इनकम है, कितनी है, कहाँ आएगी, नॉन सेविंग, और टोटल का कॉलम तो अपनी जगह पे आता ही जाएगा ना, टोटल का कॉलम तो हम भरते ही रहेंगे, टोटल तो चलता ही रहता है, ऐसा ही है ना, फिर कौन सी इनकम है, ध्यान से देखो, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रिसीव्ड या इंटरेस्ट इनकम कौन से कॉलम में आएगी, नॉन सेविंग में, सेविंग में, कितनी है, 5,000, और टोटल एक कॉलम में तो आएगी ही आएगी, राइट और रॉन्ग, फिर कौन सी इनकम है, डिविडेंड कौन से कॉलम में आएगा, डिविडेंड डिविडेंड के कॉलम में आएगा, बेहतरीन, कितना मुश्किल था ये फॉर्मेट, अभी ये शुरुआत है याद रखना, ये बहुत आसान है, अभी इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज आना शुरू होंगी, अभी के लिए ये आसान है, और टैक्स में कैलकुलेशन है, और पाकिस्तानियों आप लोगों को कैलकुलेशन अच्छी लगती है, इसलिए आपको ये पेपर में मजा आएगा। अब देखो टोटल करेंगे, कैलकुलेटर यूज करो और बताओ कि मेरी टोटल इनकम क्या आई, 45 कह रहे हैं आप, ओके ओके, $60,000 आई गॉट, यानी मैंने सारी इनकम्स को उनकी जगह पे फिट किया, जो नॉन सेविंग थी उनको नॉन सेविंग के कॉलम में डाला, जो सेविंग थी उसको सेविंग के कॉलम में डाला, और जो डिविडेंड था उसको, यानी इंटरेस्ट को सेविंग के कॉलम में और डिविडेंड को डिविडेंड के कॉलम में डाला, टोटल को फिल करता गया, मेरे पास फाइनल आंसर आया जिसको मैंने क्या बोल दिया, टोटल इनकम, क्या बोल दिया, टोटल इनकम तक हम पहुंच गए, बड़ी आसानी से पहुंच गए। अभी हमने क्या अज्यूम किया हुआ है कि इनकम गिवन है, क्या अज्यूम किया हुआ है, इनकम गिवन है, और टैक्स हम लगाने सीखेंगे, पेपर में इनकम भी खुद निकालोगे और टैक्स भी लगाओगे, अभी तो हमें हलवा मिला हुआ है, जस्ट हम उस पर टैक्स लगा रहे हैं, ठीक हो गया। एक छोटा सा सवाल करूंगा, सोच समझ के जवाब देना, जितनी ज्यादा इनकम होगी, मैं एक सेंटेंस कह रहा हूँ, सही बताओ, सही कह रहा हूँ गलत, जितनी ज्यादा इनकम होगी उतना टैक्स ज्यादा लगेगा, जितना ज्यादा कमाओगे उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, नॉर्मल है ना, अगर 20% टैक्स है और मैं 10,000 कमाता हूँ तो मुझे 2,000 टैक्स देना है, और टैक्स 20% ही है लेकिन मैं 10,000 की जगह 1,00,000 रुपए कमाता हूँ
तो मुझे टैक्स 20,000 देना पड़ेगा। यानी बिल्कुल सही बात है कि जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स, जितनी जितनी हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शन, जितनी इनकम कम उतना टैक्स, ना कमाओ तो टैक्स भी नहीं दोगे, ऐसे ही है ना। नहीं कमाओगे तो टैक्स भी नहीं लगेगा, लेकिन खाओगे क्या, ये भी एक सवाल है ना, घर कैसे चलेगा। अब मसला है, जितना ज्यादा कमाओगे उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। अब मैं आपसे कुछ पूछूं कि यार टोटल इनकम तो आ गई, अगर मुझे टैक्स अथॉरिटी अलाउ करे, क्या बोल रहा हूं मैं, टैक्स अथॉरिटी मुझे अलाउ करे कि आप इस टोटल इनकम से कुछ माइनस कर सकते हो, क्या अलाउ कर दे, आप इस टोटल इनकम से क्या कर सकते हो, कुछ माइनस कर सकते हो, तो मैं खुश होऊंगा कि दुखी हो जाऊंगा। माइनस करना, अगर टैक्स अथॉरिटी कहे कि यार इस टोटल में से कुछ माइनस करना अलाउ है, कुछ भी माइनस, वो भी रूल्स आएंगे, मैं जैसे आपसे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं कि अगर टैक्स अथॉरिटी मुझे कुछ माइनस करना अलाउ कर दे तो आई विल बी अ हैप्पी पर्सन, राइट, क्यों, व्हाई, क्योंकि मेरी इनकम कम हो जाएगी, और इनकम कम तो टैक्स क्या हो जाएगा, कम, नॉर्मल बात है, जितना ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स, जितनी कम इनकम उतना टैक्स कम, तो अगर यहां से कुछ माइनस होना अलाउ हो जाए तो मैं खुश होता हूं। मैं क्या होता हूं, अभी मैं बताऊंगा क्या करना, अभी मैं जनरल रूल बता रहा हूं कि अगर मैं यहां से 60,000 है ना, यहां से कुछ भी माइनस करूं तो मेरी टोटल इनकम क्या हो जाएगी, और इनकम कम हो जाएगी तो मेरा टैक्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ऐसा ही है। यहां तक जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, हाँ आप कॉपी करते जाइए साथ। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, बेहतरीन, अब देखिए यहां से जो पहली चीज हम माइनस कर सकते हैं वो क्या है, यहां से जो हम पहली चीज माइनस कर सकते हैं उसको कहते हैं क्वालिफाइंग इंटरेस्ट, क्या कहते हैं, क्वालिफाइंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेमेंट होती है, क्या होती है, अगर आप इंटरेस्ट पे करते हो तो आप उसको टोटल इनकम से क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, अगर आप इंटरेस्ट पे करते हो तो आप उसको क्या कर सकते हो, टोटल इनकम से क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। रिसीव्ड यहां था ना, इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है, सेविंग इनकम में आ गया था, अगर आप इंटरेस्ट पे करते हो तो वो आप क्या कर सकते हो, टोटल इनकम से माइनस कर सकते हो। हैंडआउट पे आइए, वो सॉफ्ट कॉपी जो भेजी है उसको खोल लीजिए मोबाइल में, इसमें वो प्रिंट नहीं आया है, पेज नंबर 11। अच्छा मोबाइल नहीं है, चलो खैर मैं लिख देता हूँ, इंटरेस्ट पेमेंट पेज नंबर 11 पे ये लिखा हुआ है, आप घर पे जाके देखिएगा। इंटरेस्ट हम क्यों पे करते हैं, आपने लोन लिया होता है तो आपको क्या पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है ना,
अगर लोन ये पांच में से किसी एक रीजन के लिए हो, ये पांच रीजन आपके पेज नंबर 11 पे लिखे हुए हैं, लोन अगर इन पांच में से किसी एक रीजन के लिए हो तो उस लोन पे अगर आप कोई इंटरेस्ट पे करोगे तो आप उस इंटरेस्ट को क्या कर लोगे, टोटल इनकम से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। पांच बातें अब मैं बताऊंगा। अगर आपने इन पांच में से किसी भी एक रीजन के लिए लोन लिया है और उस लोन पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो वो लोन का इंटरेस्ट आप क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। कहां से? टोटल इनकम से। और जब आप माइनस कर दोगे तो जो आंसर आएगा उसको हम बोलेंगे नेट इनकम। क्या बोलेंगे? नेट इनकम। ये फॉर्मेट नेट इनकम पे भी खत्म नहीं होता, इसके आगे ये फर्दर जाएगा जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज हम सिर्फ इसको नेट इनकम पे रोकेंगे। तो अब भाई बात ये है कि सर पांच में से एक रीजन, ये पांच रीजन कौन से हैं? तो जो ऑनलाइन वाले हैं वो तो हैंडआउट सामने रखिएगा, पेज 11 पे पहला रीजन लिखा हुआ है। अब ये रीजन मैं मिक्स करके पढ़ रहा हूं। आपने लोन लिया, क्या किया आपने? लोन लिया। क्यों लिया भाई लोन? लोन लिया आपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए। क्या करने के लिए? किधर इन्वेस्टमेंट करने के लिए? नहीं, किसी पार्टनरशिप में आपने लोन लिया, टू इन्वेस्ट इन अ पार्टनरशिप। आपने लोन लिया टू इन्वेस्ट इन अ पार्टनरशिप। तो ये लोन पे जो इंटरेस्ट पे करोगे ना, ये इंटरेस्ट क्या बन जाएगा? क्वालिफाइंग इंटरेस्ट। और ये क्या होगा? टोटल इनकम में से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। टोटल इनकम में से क्या हो जाएगा? माइनस। पे कंडीशन पढ़ ली, लोन लिया टू परचेज शेयर्स इन पार्टनरशिप। दूसरा, लोन लिया टू परचेज शेयर्स इन एम्प्लॉयड कंट्रोल कंपनी। शेयर्स इन एम्प्लॉयड कंट्रोल कंपनी, एम्प्लॉयज कंट्रोल कंपनी। एम्प्लॉयज कंट्रोल कंपनी का मतलब ये होता है कि वो कंपनी जिसकी ओनरशिप उसके एम्प्लॉयज के पास हो। जैसे आज की तारीख में नोकिया, नोकिया की 50% या इससे ज्यादा शेयर होल्डिंग उसके एम्प्लॉयज के पास है। ऐसी कंपनी जिसकी 50% या इससे ज्यादा शेयर होल्डिंग किसके पास हो? उसके एम्प्लॉयज के पास हो, उस कंपनी को कहते हैं एम्प्लॉयड कंट्रोल कंपनी। और एम्प्लॉयड कंट्रोल कंपनी जो है उसमें अगर आपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोन पकड़ा तो उस पे दिया जाने वाला इंटरेस्ट भी क्या बनेगा? क्वालिफाइंग इंटरेस्ट। और क्वालिफाइंग इंटरेस्ट टोटल इनकम से क्या हो जाता है? माइनस। तीसरी, लोन टू परचेज शेयर्स इन कोऑपरेटिव। F1 याद आ रहा होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जिसके मेंबर्स होते हैं, शेयर होल्डर नहीं होते, जैसे कि बिल्डिंग सोसाइटीज वगैरह। तो कोऑपरेटिव में अगर आपने मेंबर बनना था, इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे और उसके लिए आपने क्या लिया? लोन लिया, तो उसका इंटरेस्ट भी क्या बन जाएगा? क्वालिफाइंग इंटरेस्ट। और वो भी आप क्या कर लोगे? टोटल इनकम से माइनस कर सकते हो। कितनी कंडीशन हो गई? तीनों शेयर्स खरीदने वाली थी ना, परचेज ऑफ शेयर्स इन पार्टनरशिप या एम्प्लॉयड कंट्रोल कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगली दो कंडीशन है नॉन करंट एसेट खरीदने वाली, यानी आपने लोन लिया टू एक्वायर अ नॉन करंट एसेट। आपने लोन लिया टू एक्वायर नॉन करंट एसेट, और नॉन करंट एसेट किस काम के लिए लिया? तो भाई दो रीजन है, या तो आपने एक एसेट खरीदा जिससे आपकी जॉब आसान हो गई। फॉर एग्जांपल, आप रहते हैं लंदन में, आपकी जॉब है ऑक्सफोर्ड में, आना जाना मुश्किल है,
गाड़ी लेने के पैसे नहीं हैं, तो आपने लोन लिया कि गाड़ी ले लूँगा और फिर ऑफिस आना जाना क्या हो जाएगा, आसान। इसको कराची में एग्जांपल ले लो, अज्यूम करो कराची यूके का पार्ट है, गुलशन मेमार में ऑफिस है, गुलशन हदीद पे घर है, आने जाना बहुत मुश्किल है, गाड़ी चाहिए या बाइक चाहिए, पैसे नहीं है, क्या किया आपने, लोन ले लिया। लोन लिया ताकि ऑफिस का काम आसानी से हो जाए, जॉब में आसानी हो जाए। तो इस तरह का लोन अगर आपने पकड़ा है तो ये भी क्या है, इस पे इंटरेस्ट दोगे तो वो इंटरेस्ट क्या बन जाएगा, क्वालिफाइंग इंटरेस्ट क्या बन जाएगा, लोन टू परचेज नॉन करंट एसेट या लोन टू परचेज प्लांट एंड मशीनरी यूज्ड इन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के लिए आप सोल ट्रेडर नहीं हो, मैंने कहा आप इम्प्लॉय हो, और जॉब में आसानी के लिए आपने कोई एसेट खरीदा और लोन लेके खरीदा, तो उसका इंटरेस्ट जो है वो क्वालिफाइंग इंटरेस्ट। या पेज 11 पे देखोगे तो ये पूरी डेफिनेशंस लिखी हुई है। लास्ट कंडीशन है लोन टू एक्वायर प्लांट एंड मशीनरी यूज इन पार्टनरशिप, मतलब आपने कोई इक्विपमेंट मशीनरी कंप्यूटर प्लांट कुछ खरीदा ताकि वो आप किस में यूज कर सको, कंपनी में नहीं, सोल ट्रेडिंग में नहीं, पार्टनरशिप में, किस में यूज कर सको, पार्टनरशिप में। अगर आपने लोन लेके कोई एसेट खरीदा जिसको आप किस में यूज करोगे, पार्टनरशिप में यूज करोगे, तो फिर उसका इंटरेस्ट भी क्या बन जाएगा, उसका इंटरेस्ट भी क्वालिफाइंग इंटरेस्ट बन जाएगा। और क्वालिफाइंग इंटरेस्ट का क्या रूल है, वो टोटल इनकम से क्या हो जाता है। अब जरा देखो, मैं यहाँ कहता हूँ कि भाई अज्यूम करो कि क्वेश्चन आपको कहता है कि भाई आपका क्वालिफाइंग इंटरेस्ट है 10,000, कितना है 10,000, 5,000 कर देते हैं, कितना है 5,000, यानी इन पांच में से किसी भी एक कंडीशन को मीट किया होगा तभी तो क्वालिफाइंग इंटरेस्ट है। अब एक सवाल आता है, सर अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस दिया हो लेकिन वो इन पांच में से कोई किसी को भी मीट ना करता हो, ऐसे ही कोई दिया वो, सही है, लोन लिया टू गिव मैरिज गिफ्ट, शादी किसी की थी उसको गिफ्ट देने के लिए आपने लोन पकड़ लिया और उस पर इंटरेस्ट दे रहे हो, क्या ये इन पांच में से कंडीशन को मीट करता है, नहीं करता, तो सर क्या वो क्वालिफाइंग इंटरेस्ट हो सकता है, नहीं हो सकता, उसका क्या करेंगे, उसको इग्नोर करेंगे, क्या करेंगे उसको, जो क्वालिफाइंग इंटरेस्ट है वो ही यहाँ माइनस होता है, जो क्वालिफाइंग इंटरेस्ट ही कंडीशन को मीट नहीं करता उसको क्या करते हैं पेपर में, इग्नोर करते हैं, उसका कोई काम नहीं होता। इस क्वेश्चन में मैंने कहा भाई अज्यूम कर लो कि क्वालिफाइंग इंटरेस्ट कितना है, मैं कह रहा हूँ ना इन पांचों में से कोई एक कंडीशन को मीट किया है और उसने 5,000 अमाउंट दिया हुआ है कि क्वालिफाइंग इंटरेस्ट इज 5,000, तो मैं क्या करूंगा, ये क्वालिफाइंग इंटरेस्ट है, मैं टोटल इनकम से इसको क्या कर दूंगा, डिडक्ट करूंगा, तो आंसर क्या आएगा, ये तो टोटल का कॉलम है ना, बात ध्यान से समझना, इंडिविजुअल कॉलम्स से क्या होगा, तो ये किस टोटल कॉलम में तो कर दिया माइनस, लेकिन कौन से कॉलम से सीक्वेंस फॉलो करूंगा, क्या करूंगा, तो जवाब यह है कि भाई सीक्वेंस फॉलो होगी कि पहले नॉन सेविंग से, फिर सेविंग से, और फिर डिविडेंड से। जी सीक्वेंस कैसे होगी, यह है कितना, क्या ये पूरे का पूरा 45,000 से एडजस्ट हो सकता है, बस खत्म। तो नॉन सेविंग मेरे पास कितनी बची, इधर माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है ना, है ही ये 5,000 और नॉन सेविंग है 45,000, तो पूरे का पूरा 5,000 कहाँ से एडजस्ट हो गया, नॉन सेविंग से, तो नॉन सेविंग कितनी रह गई, इंटरेस्ट कितना रहा और डिविडेंड कितना रहा, इसको हम क्या बोलते हैं, जब क्वालिफाइंग इंटरेस्ट माइनस कर लेते हैं तो जो आंसर आता है उसको क्या बोलते हैं, नेट इनकम। यहाँ तक तो कोई क्वेश्चन है, इसको कॉपी कर लें, साथ साथ कॉपी करते रहा करें।
ये दिया हुआ ही होगा, बस आपको ये देखना है कि वो इंटरेस्ट इन पांच में से कंडीशन को मीट कर रहा है तो माइनस कर देना, और अगर कंडीशन को मीट ना करे तो उसको छोड़ देना। ऑनलाइन वाले बच्चों कोई क्वेश्चन है आपका तो बताइएगा। चैट बॉक्स में लिख दीजिए कोई क्वेश्चन है तो हम रिस्पॉन्ड कर दें, अदरवाइज हम आगे बढ़ें। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है। अब लास्ट थिंग, आज की हमारी फर्स्ट क्लास है, इसका डेमो क्लास है फर्स्ट। इसमें एक चीज और हो सकती है, जरा ध्यान से देखना। अब मैं कहता हूं यार, जस्ट अज्यूम करो ये डेटा यूं नहीं गिवन, ये डेटा मैं चेंज करूंगा, ठीक है, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, ये डेटा को भूल जाओ। मैं कहता हूं यार यहां पे ये 45,000 नहीं है, यहां कितना है, यहां 3,000 है, कितना है, यहां पे 2,000 है और यहां पे 10,000 है, टोटल कितना हो गया, 3, 2, 5 और 10, 15। क्वालिफाइंग इंटरेस्ट कितना दिया हुआ था, तो 15 में से 5 माइनस हो गया, टोटल ए कॉलम से कोई मसला नहीं है। मसला कब है, मसला यहां है सर। हाँ सर, 5 को आप इंडिविजुअल कॉलम्स में कैसे माइनस करें, पहले यहां 45 था तो 5,000 मुक गया था, खत्म हो गया था, लेकिन अब यहां 3 है। इंटरेस्ट, क्वालिफाइंग इंटरेस्ट है कितना, 5,000, पहले कॉलम में कितना माइनस होगा, 3, और बाकी कितना बचा, बाकी कितना बचा, 3 यहां चला गया तो 2 अगले कॉलम से हो गया, और फिर इधर के लिए कुछ बचा नहीं, तो डिविडेंड पूरे का पूरा, और आंसर देखो 10,000 और 10,000 मैच हो रहा है। अगर अज्यूम करो यहाँ 2,000 नहीं, यहाँ 1,000 होता, तो फिर 1,000 यहां से और 1,000, तो ये है नेट इनकम तक की कहानी हमारी जबानी। हमने आज सिलेबस पढ़ा, इंडिविजुअल का टॉपिक स्टार्ट किया, इंडिविजुअल का टैक्स ईयर क्या होता है उसको देखा, और कैलकुलेशन ऑफ टैक्स को स्टार्ट किया है, जिसमें हमने मेन फॉर्मेट बनाने सीखा है कि मेन फॉर्मेट शुरू कैसे होता है, टोटल इनकम कैसे आती है, और टोटल इनकम से नेट इनकम यानी क्वालिफाइंग इंटरेस्ट माइनस करने के बाद नेट इनकम कैसे निकालते हैं। तो ये आज की हमारी फर्स्ट क्लास थी। नेक्स्ट क्लास का शेड्यूल वगैरह जो है वो ग्रुप में उसामा सर जो है वो शेयर करेंगे, तो फिर इंशाल्लाह हमारी इसी तरह हाइब्रिड क्लास होगी। आपको आना है, आप यहाँ आके भी क्लास ले सकते हैं और अदरवाइज ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चों को कोई क्वेश्चन है, वरना अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ ओएस।